मैं कनक शर्मा मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं भरवा करेला बना रही हूँ। देखिए मैंने इनको छील लिया है, ये बीच में इसको कट लगाया है और हल्दी नमक में मैंने भिगो के रखा है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनते हैं। वैसे तो सभी को आते हैं दोस्तों, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है बनाने का। तो आज मैं भरवा करेले बना रही हूँ। देखिए हमारे करेले हैं वो एकदम से उबल गए हैं और ये देखिए नरम हो गए हैं, एकदम से हार्ड नहीं रहे हैं। अब इसके अंदर भरने के लिए मैं सारी सामग्री तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक प्याज और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली है। अब मैं प्याज को अच्छी तरह से बारीक बारीक अच्छी तरह से इसको क्रश कर लूँगी और ऐसे ही मैं लहसुन की कली को कर लूँगी। फिर इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक बारीक क्रश कर लिया लहसुन प्याज को। अब इसको हम फ्राई करेंगे और फिर करेले के अंदर जो मैंने कट लगाया है उसके अंदर मैं फिर इसको भर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है और 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला है, 1/2 चम्मच थोड़ा 2 चिट्टी हींग डाला है और जो मैंने प्याज वगैरह क्रश किए थे ये लाल हो गया है। अब मैं इसमें इनको अच्छी तरह से सेकूँगी। देखिए ये देखो अच्छी तरह से अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का हल्का भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं ये प्याज वाले करेले। ये प्लेन भी बनते हैं पर मेरे घर पे सब प्याज वाले खा लेते हैं इसलिए मैं यही बना रही हूँ। देखिए ये प्याज अच्छी तरह से भुनने लग गए हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और फिर इसमें 1 स्पून लाल मिर्ची कश्मीरी और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक और ये सूखा धनिया। अब सब को इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब मैं जो करेलों में कट लगाई थी उसमें फुल अप कर दूँगी मैं। देखिए ये करेले हैं उसको मैंने दबा दबा के पानी इनका निकाल लिया है। देखिए अब इसमें मैं उस मसाले को फुल अप करूँगी। ये देखिए मैंने करेलों को एकदम से इसको भर लिया है। अब इसको मैं फिर से फ्राई होने के लिए रखूँगी क्योंकि वैसे तो ये एकदम से नरम है। मैंने कुकर में सीटियाँ लगवाई थी और अब मैं इनको वापस और थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। देखिए ये मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला, फिर इसके अंदर हींग। अभी इसमें मैं जीरा नहीं डालूँगी क्योंकि जीरा मैंने जब फ्राई कर रही थी मैं प्याज को उसी समय डाल दिया तो अभी मेरे को इसमें फिर जीरा नहीं डालना है। और ये हींग देखिए हल्का हल्का सा लाल हो गया है। अब मैं इनको धीरे धीरे सिकने के लिए इसमें धीमी आंच करके रख दूंगी और थोड़ा उल्ट पलट करती रहूंगी, हल्का सा सीखना है। वैसे तो ये सीखे हुए हैं। देखिए हमारे करेले तैयार हो गए, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी, देखिए कितने मस्त बने हैं। ये देखिए जी ये देखिए हमारे करेले तैयार हो गए भरवा, बड़े खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इस प्रकार आप भी बना के खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये कैसे लगे मैंने जो करेले बनाए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।